अरे एक काम करो, पैर सीधे कर लो। अरे 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 यू क्या कर रहे हो? अच्छा एक काम करो, अच्छा सीधे लेट जाओ, हटो हटो रुक हटो जल्दी तुम। अरे लेट जाओ प्लीज लेट जाओ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। हाँ तो ठीक है, आलिया मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये जो योग है ना, ये बहुत ही प्रोडक्टिव बाप बनने वाला है। थैंक यू, आई एम श्योर। हाँ तू पहले पानी पियो। देखा, सुई की बात छुपाई इसलिए कुछ बुरा नहीं हो रहा। फिर भी रमन, शिशिता प्लीज अभी कुछ मत बोल। देख रोही की हालत के लिए कोई ना कोई इलाज निकल आएगा, डॉक्टर ने कहा ना शील स्टडी है केस। अभी चुप करो, आप अले को कैल्शियम की दवाई दे दे, चल। अरे इसमा क्या हो रहा भाई? बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया है युग ने आलिया को, ये देखो। वेरी प्रिटी ना युग। थैंक यू सो मच, पर तुम्हें इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने की क्या जरूरत थी? हाँ बात तो सही है, मैं वापस कर रहा था। तो क्या हो गया इसमें? और रिश्मा इसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, है कि नहीं? नहीं, ये फीलिंग सबसे ज्यादा कीमती है, और ये तो प्यार है युग का, बनता है इतना प्यार तो। युग क्या हुआ, उल्टी? इश्मा इश्मा अभी बेहोश हो गई थी, अभी उल्टी आ गई, एक बारी प्लीज जाके तू चेक कर लेना प्लीज। इट्स ओके, शी इज प्रेग्नेंट, और प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, बार बार उल्टी आती है, कई बार भूख नहीं लगती, रेस्टलेसनेस होती है, या कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है, पीठ दर्द होना, पैर दर्द होना, बहुत कुछ होता है प्रेगनेंसी में। और सुना तेरी माँ ने क्या कहा, जितनी तकलीफ आलिया को होगी ना उतना ही सपोर्टिव तुझे होना पड़ेगा, समझा? उसकी हर बात माननी पड़ेगी, हर डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। यू नो पैरों में स्वेलिंग आती है, नौजिया वाली फीलिंग होती है, मेजर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। सी वी आर देयर, हम तो काफी कुछ हैंडल करेंगे, लेकिन तुम्हें एज अ हस्बैंड अपनी वाइफ का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। गेट रेडी। यस यस, फिक्र मत कर, मेरा बेटा है वो। हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छे से संभालूंगा आपको बेटा। आप लोग चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। आलिया ठीक हो तुम? आइसक्रीम खानी है, पानी पूरी, कुछ? औरतों को कितना कुछ सहना पड़ता है, मैं तो सोचा ही नहीं था कभी। रूही प्लान कैंसिल। क्या, कौन सा प्लान? अरे बच्चों का प्लान, मैं तो तीन तीन की प्लानिंग कर रहा था। मैं तुम्हें इतने पेन में नहीं देख सकता, सो प्लान कैंसिल। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे मतलब कुछ भी बोलोगे? अरे करण ये सारी चीजें ना अभी अभी की होती हैं। तुम सोचो ना, एक बार जब बेबी हाथ में आ जाता है, उसके छोटे छोटे हाथ, उसके छोटे छोटे पैर, इतना क्यूट सा, तो उसके बाद ना ये सारी पेन तकलीफ आप सब भूल जाते हो। ऑफ कोर्स मुझे माँ बनना है, तुम क्या प्लान कैंसिल? इशिमा कितनी कंफ्यूजिंग है ये, पहले बोलती है कि इसे माँ नहीं बनना है और अब कह रही है कि इसे बच्चे चाहिए, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैंने कब कहा कि मुझे माँ नहीं बनना? मैंने कहा कि मुझे इतनी जल्दी माँ नहीं बनना। तुमने कहा कि तुम्हें शादी के जस्ट बाद बच्चा चाहिए, मैंने कहा कि I'm just not ready अभी, पर of course मुझे माँ तो बनना है ना। Of course I want that feeling जब you know आपके पेट के अंदर कोई बड़ा हो रहा है, कोई बेबी ग्रो हो रहा है, वो फीलिंग कितनी अमेजिंग होगी। मुझे वो फीलिंग महसूस करनी है करण, तुम सोचो ना, जस्ट इमेजिन एक बच्चा अपने अंदर ग्रो होगा, उसे हम पाल पोस के बड़ा करेंगे, तो ऑफ कोर्स मुझे माँ बनना है ना, तुम भी ना। अरे आलिया तुम्हें वो फीलिंग महसूस हो रही है क्या, जैसे तुम्हारे अंदर कोई बेबी हो और वो कुछ मूवमेंट कर रहा है क्या? हाँ अब थोड़ी थोड़ी। और पता है करण, हम औरतें ना ऐसे होती हैं, ये सारी दर्दें अपने बच्चों के लिए सह लेती हैं। यार अगर मैं औरत होता ना तो मैं नहीं सह पाता। युग तू सह पाता क्या? यार मैं तो नहीं सह पाता, मुझे तो पापा की ड्यूटी से ही डर लग रहा है यार इतना। बट यार सब औरतों को, सब लड़कियों को हैट्स ऑफ है यार, मतलब इतना पेन वो सहती हैं और हम जैसे तंदुरुस्त बच्चे निकालती हैं। पर मुझे फोन आ रहा है, एक मैं आती हूँ। बात सुनी रूही की, अब वो मां बनना चाहती है।
वो एहसास जाती है जब बच्चा आपके पेट में बड़ा होता है, वो एहसास उससे क्यों छीना गया है? वो एहसास मतलब क्यों मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ क्यों? रूही doesn't deserve this. मैं जिंदगी भर तड़पी हूँ रमन उस एहसास के लिए. क्या होगा उसका? मुझे सुब्बू ने छोड़ दिया था कि मैं माँ नहीं बन सकती थी. आज उसके साथ ही हो रहा है. क्यों हिस्ट्री रिपीट हो रही है? मैं उसके साथ ही होते नहीं देख सकती जो मेरे साथ हो चुका है. मैं हमेशा से वो एक फीलिंग चाहती थी कि मुझे रूही मिली, आप मिले, पीहू हमारी बेटी है. That feeling. और अब हमारी रूही उसी ट्रॉमा से गुजरेगी जो अब तक मैं, मुझे मालूम है कितना दर्द है उसमें. तुम पागल हो गई? अरे वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें तो मिली है, वरना पता नहीं मैं इन बच्चों को कैसे पालता खेले. इश्ता सिर्फ पैदा कर देने से कोई माँ नहीं बन जाता. माँ के जज्बात जरूरी है, माँ का दिल जरूरी है, और वो सब तेरे पास है. तूने रूही को, आदि को, पीहू को इतने प्यार से, इतने इतने संस्कारों के साथ पाला है कि वी आर प्राउड ऑफ आवर चिल्ड्रन टुडे. वो लोग तुझे अपनी सगी माँ से ज्यादा मानते हैं. यहाँ तक कि अगर मैं तुझे कुछ कह दूं तो वो लोग शायद एक भीख भर के लिए मेरी तरफ भी ना हो. जानती हूँ मैं ये सब रमन, लेकिन जो माँ बनने का एहसास होता है ना, ये ना एक औरत ही समझ सकती है. रूही माँ बनना चाहती है. क्या होगा उसका? क्या बीतेगी उस पे? उसे पता लगेगा क्या? और तुझे तुझे रूही की फिक्र है? तू जानती है ना, सालों पहले जब एक बार बाला की माँ ने ताना मारा तुझे कि तू बांझ है, रूही आके तेरी गोद में बैठ गई थी. उसने तुझे एहसास दिलाया था कि माँ होना क्या होता है. और फिर वो तेरी बेटी है यार, समझदार है, समझ जाएगी वो. हम हार नहीं मानेंगे. और मैं जानता हूँ कि रूही भी चाहेगी कि हम हार ना माने. सो प्लीज अपने दिल से ख्याल निकाल दे कि तू माँ नहीं है. और करण का क्या? अभी तो वो बोल रहा है कि वो रूही को उस दर्द में नहीं देखना चाहता, लेकिन दो दिन से मैं देख रही हूँ उसे. शादी नहीं हुई है पर बात बात में बच्चों की बातें करता है. हाँ तो ठीक है ना, करण की जगह सही है. तो क्या जो औरतें बच्चों को जन्म नहीं दे सकती वो माँ नहीं बनती क्या? हाँ कैसी बातें कर रही है तू? हम रास्ता ढूंढ निकालेंगे ना. ऐसी कोई मुश्किल है जो हम दोनों मिलकर पार नहीं कर सकते? हेलो, यस सिस्टर, वो रिपोर्ट्स वही रखवा दो मेरे केबिन में, मैं कल आके देख लूंगी. रूही के रिपोर्ट्स मैं वही रख के भूल गई. वो रिपोर्ट्स किसी के हाथ ना लगे. ओह गॉड, आप सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? सुधा जी, नहीं प्लीज आइए. कम कुछ नहीं, बस मैं निकल रही थी तो सोचा आप दोनों को बाय बोलो. वैसे आज का दिन बहुत ही इवेंटफुल रहा है ना? रमन, कल मेनू, वेडिंग इनविटेशंस और हाँ वेन्यू भी, ये सब कुछ हमें फाइनल करना पड़ेगा. जी. वैसे युग कह रहा था कि वेडिंग कार्ड्स के कुछ सैंपल्स उसके पास ऑलरेडी रेडी है. काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत ही कम. इशिता, तुम ठीक तो हो ना? मैं थक बहुत गई हूँ इसलिए. अच्छा तो तुम रेस्ट करो, हम चलते हैं. मैं आपको नीचे तक छोड़ने आती हूँ. अरे नहीं नहीं, फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, रूही है ना. तुम रेस्ट करो, कल बिल्कुल फ्रेश हो जाओगी. ओके रमन. सुधा जी से बात छुपा कर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे. अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन रुक जाना, कुछ देर रुक जा, देखते हैं डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उसके बाद मैं खुद सुधा जी और करण से बात करूंगा. हाँ डॉक्टर पंखुड़ी. मिसेस मल्ला, एक्चुअली वो मैं रूही की रिपोर्ट्स लेकर आई थी, पर आलिया के चक्कर में ना वो रिपोर्ट्स मैंने वही रख दी है. आप रिपोर्ट घर पे भूल गए हो? सोफे के पास किसी साइड टेबल पे. ओह माय गॉड, वहां तो करण है, सुधा जी है, रूही है वहां. मुझे जल्दी आके छुपाना होगा. थैंक यू. क्या हुआ? बेटा वक्त पर विटामिन टैबलेट्स ले लेना, कभी कभी फटीग अटैक्स भी आ जाते हैं. जी. तुम दुल्हन हो और शादी में दुल्हन की एनर्जी सबसे हाई होनी चाहिए. जी मॉम.
और कल साथ में हम डिजाइनर के पास जा रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत ड्रेस मैंने सेलेक्ट किया है, एक बार तुम भी देख लो, अच्छा लगे तो हम वही ड्रेस लेंगे। ओके, आई एम श्योर मुझे अच्छा लगेगा। तो हम चलते हैं, चलो चलो, मैं छोड़ देती हूँ, बाय, आजो आजो, मैं छोड़ देती हूँ, चलो बेटा। अरे ये तो रिपोर्ट है ना, जो तुमने देखा ना, जस्ट इग्नोर इट, ओके? रू, पापा और मैं इसका सलूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आर यू लिसनिंग? रू, लिसन टू मी, इस रिपोर्ट पर भरोसा मत करो, हम लोग सलूशन निकाल रहे हैं, हम लोग दूसरे डॉक्टर से बात कर रहे हैं, हम सेकेंड ओपिनियन लेंगे, रू प्लीज लिसन टू मी, प्लीज, आर यू लिसनिंग टू मी? कुछ बोलो ना बच्चे। रोहिल, लिसन टू मी। रू, मेडिकल साइंस ने बहुत एडवांस कर लिया है, रास्ता है इसका। रू, तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? प्लीज सुनो ना, कुछ तो बोलो। रूही, इशिता पुत्र, क्यों यार रूही? नो, माँ, कुछ नहीं, तुम्हें पापा पे भरोसा है ना? ये मेडिकल रिपोर्ट, ये सब, रूही, लिसन, यू ट्रस्ट मी, राइट? दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सॉल्यूशन मैं निकाल लूंगा, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लूंगा मैं। तुम्हें पापा ढूंढोगे? आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि कुछ नहीं हो सकता है, तो झूठ मत बोलो मुझसे। क्या हो रहा है यहाँ पर, और ये कैसी मेडिकल रिपोर्ट है, कोई बताएगा हमें? इशिता पुत्र, दास्ता सही होया की है, कुड़ी रोंदी क्यों पई है? अरे प्रॉब्लम सॉल्यूशन रिपोर्ट, रमन हुआ क्या है मुझे बता। हाँ, इसका मतलब यही है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।